डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। नमस्कार दोस्तों, करीब 18 दिन तक मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने घर बैठाकर अंततः पार्टी नेतृत्व ने टिकट घोषित कर दिया, या ये कहें कि टिकट बदल दिया। यहां से अतुल प्रधान को उन्होंने टिकट दिया है, जबकि भानु प्रताप को पहले घोषित कर दिया गया था। भानु प्रताप सिंह का भारी विरोध हो रहा था और उन्हें बाहरी व्यक्ति बताते हुए सारे स्थानीय पदाधिकारी उनको हटाने की एकजुट होकर के मुहिम चला रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो कोशिश इस बात की भी कर रहे थे कि अंततः टिकट उन्हें मिल जाए। इस दौड़ में शहर विधायक रफीक अंसारी और मुस्लिमों का एक बड़ा चेहरा शाहिद मंजूर तो लगे हुए ही थे, लेकिन साथ ही साथ योगेश वर्मा और अतुल प्रधान भी टिकट पाने वालों की दौड़ में शामिल थे। और जिस रोज से टिकट घोषित हुआ उसी रोज से सभी लोग लखनऊ में डेरा डाले हुए थे। डेरा डालने का मकसद केवल यही था कि उन्हें या उनके परिवार के किसी जन को ये टिकट मिल जाए। अखिलेश यादव के सामने एक बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई थी कि जिस खिस्तान को देखते हुए उन्होंने ये टिकट एक बाहरी व्यक्ति को दिया था, वही खिस्तान उस बाहरी व्यक्ति पर लगातार भारी पड़ रही थी। महापौर इलेक्शन में वह इसका खामियाजा भुगत चुके हैं, जब शहर विधायक रफीक अंसारी को उन्होंने मनाने की भी कोशिश की, लेकिन रफीक अंसारी नहीं माने। यहाँ महापौर के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को टिकट दिया था। इस टिकट के लिए भी योगेश वर्मा अपनी पत्नी और अतुल प्रधान अपनी पत्नी को टिकट दिलाने की दौड़ में शामिल थे। योगेश वर्मा को हालांकि बहुजन समाजवादी पार्टी से अतुल प्रधान ही समाजवादी पार्टी में लेकर के आए थे, लेकिन यह दोस्ती बहुत ज्यादा समय तक नहीं चल पाई और इसमें खटास हो गई। खटास के बाद ही ये रहा कि अतुल प्रधान ने अपनी पत्नी को लड़ाया, लेकिन योगेश वर्मा ने इस इलेक्शन से पूरी तरह से अपनी दूरी बनाए रखी और साथ ही शाहिद मंजूर भी और रफीक अंसारी भी बराबर दूरी बनाए रखे और कहीं पर भी उन्होंने सीमा प्रधान के लिए चुनाव लड़ने की उन्हें कोशिश नहीं की, और यही कारण रहा कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी तीसरे नंबर पर पहुंच गई और दूसरे नंबर पर AIM ने बाजी मार ली। यहां से भाजपा के हरिकांत आहलूवालिया जीते थे। तो यह एक ऐसा घटनाक्रम था जिसने समाजवादी पार्टी को यह सोचने पर विवश कर दिया था कि यदि यही हालत अब लोकसभा चुनाव में होती है तब क्या होगा, और इसी को निमटने के लिए, इसी चीज पर काबू पाने के लिए पार्टी नेतृत्व ने भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया था। लेकिन एक समय यानी कि पिछले करीब 18 दिन से यह स्थिति आ गई थी अखिलेश यादव के सामने कि ना ही तो उनसे उगले बन रहा था और ना ही निगले बन रहा था, ना ही वो भानु प्रताप सिंह का टिकट काट पा रहे थे और ना ही इनमें से किसी चेहरे को टिकट दे पा रहे थे। सूत्रों का यह भी दावा है कि अभी हाल ही में इन चारों लोगों को लखनऊ में बैठा करके बातचीत हुई। वहां पर जब भी किसी एक व्यक्ति विशेष को टिकट देने की बात हुई तो दूसरे ने यह कहा कि अगर इनको टिकट दिया जाता है, यानी कि दलित समुदाय के व्यक्ति को अगर टिकट दिया जाता है तो मुस्लिम उसको वोट नहीं देंगे, और जब मुस्लिम प्रत्याशी यानी कि रफीक अंसारी या शाहिद मंजूर के परिवार को या उनको ही टिकट, चुके वो भी टिकट पाने की दौड़ में लगे हुए थे, अगर उनको टिकट दिया जाता है तो उनको दलित वोट नहीं मिलेगा। और यह बात बिल्कुल तय है कि अगर कोई भी प्रत्याशी केवल अपने ही वोटों के आधार पर चुनाव लड़ता है तो कम से कम वो तो उसकी जीत के लिए पर्याप्त नहीं है। यही एक समीकरण था जिस कारण से अखिलेश यादव ये नहीं तय कर पा रहे थे कि वो अंततः क्या करें। अंत में उन्होंने ये भी कहा कि वो ही बता दें कि मुझे क्या करना है, ऐसा सूत्रों का दावा है। और अंत में कल अतुल प्रधान, जैसे कि एक बार पहले भी अपनी पत्नी सीमा प्रधान को टिकट दिलाने में कामयाब हो गए थे, एक बार फिर अतुल ने बाजी मारी और योगेश वर्मा, रफीक अंसारी और शाहिद मंजूर को पीछे पछाड़ते हुए वह टिकट पाने में कामयाब हो गए। वर्तमान में वह सर्धना विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से। अब रही बात शहर विधायक रफीक अंसारी की। रफीक अंसारी
शहर विधायक जरूर बने, लेकिन उसके बाद से ही लगातार वह समाजवादी पार्टी के मुख्यालय से तो उनका कॉन्टैक्ट रहा, लेकिन शहर में उनकी उपस्थिति बिल्कुल नगण्य रही। अभी हाल ही में पार्टी ने जिलाध्यक्ष विपिन चौधरी को बनाया, तब भी वह बराबर दूरी बनाए रखे और उनकी ऑफिस तक में भी नहीं आए। नारेबाजी हुई विपिन चौधरी के खिलाफ और समाजवादी पार्टी का एक बड़ा धड़ा उनके खिलाफत में जाकर उतर आ गया। जब पार्टी नेतृत्व ने कमान संभाली और निर्देश दिए, उसके बाद उन्हें लोगों ने जिलाध्यक्ष मानने की पहल की या माना। अब समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान को यहां से प्रत्याशी घोषित किया है। अतुल प्रधान के साथ अपना गुजर बिरादरी तो है ही, और समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट भी माना जाता है कि उनके पक्ष में है। ठाकुर और दूसरे बिरादरी में भी अतुल प्रधान की अच्छी खासी पैठ है, लेकिन यह बात भी नहीं भूली जा सकती कि अभी हाल ही में हुए महापौर चुनाव में उनकी पत्नी तीसरे स्थान पर आई थी। दूसरे प्रतिद्वंदी रहे योगेश वर्मा। योगेश वर्मा की पत्नी इससे पूर्व हुए महापौर चुनाव में बसपा से महापौर बनी थी, सुनीता वर्मा। यह बात और है कि कुछ समय बाद ही उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। योगेश वर्मा का दलितों में अच्छा खासा प्रभाव है। जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है तो 2014 में राजेंद्र अग्रवाल यहां से करीब 200,000 वोटों से जीते थे। उसके बाद 2019 में हुए चुनाव में उनकी जीत का अंतर केवल 4700 वोट ही रह गया था। उस वक्त याकूब कुरैशी के बारे में एक बार हवा भी उड़ गई थी कि वह जीत गए हैं, लेकिन कुछ समय बदला, कुछ हालात बदले और कुछ समय बाद बताया गया कि राजेंद्र अग्रवाल 4700 वोट से जीत गए हैं। अब इस हालात में जबकि मेरठ लोकसभा सीट पर सभी प्रत्याशी हिंदू हो चुके हैं, क्योंकि आजकल जो भी माहौल चल रहा है, या पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीट की बात करें या फिर मेरठ की ही बात करें, तो यह अधिकांश हिंदू मुस्लिम फैक्टर पर काफी कुछ डिपेंड करता है। अब जबकि सभी प्रत्याशी, चूंकि बहुजन समाजवादी पार्टी ने यहां से देवव्रत त्यागी, दवा व्यवसायी हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। सपा से अतुल प्रधान हो गए हैं और भाजपा ने यहां से रामायण सीरियल में श्री राम की भूमिका अदा करने वाले अरुण गोविल को चुनाव मैदान में उतारा है, और वह भी तब जबकि यहां पर टिकट चाहने वालों की एक लंबी फेहरिस्त सामने थी। बावजूद इसके अरुण गोविल को यहां पर टिकट दिया गया। कार्यकर्ता या जो बड़े पदाधिकारी हैं, वह अभी उन्हें कितना गले से नीचे उतार पाएंगे, यह अभी थोड़ा सा इसमें समय भी लगेगा और अभी यह वक्त भी बताएगा। ऐसे में इस सारे घटनाक्रम में जब हम देखते हैं तो जो भी प्रत्याशी है वो एक वर्ग विशेष से है, यानी हिंदू है। अब सारी नजर कुल मिलाकर के केंद्रित हो गई है AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी पर। डिपेंड करता है कि ओवैसी अब किसको अपना प्रत्याशी बनाते हैं, और यही कारण रहा है कि जहां सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, वहां अभी तक ओवैसी ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। यहां कुछ समय पहले ऐसा भी कहा गया कि संभवतः ओवैसी मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से किसी हिंदू को अपना प्रत्याशी बना सकते हैं। इसके पीछे उन्होंने कारण यही बताया कि पार्टी अपनी छवि सुधारना चाहती है, छवि बदलना चाहती है कि वह केवल एक मुस्लिम वर्ग विशेष की ही पार्टी है। लेकिन अगर यहाँ पर वह अपना, जैसा कि उनका पूरा इतिहास रहा है कि अगर यहाँ पर वो मुस्लिम प्रत्याशी उतारते हैं, तो निश्चित रूप से यह भाजपा के साथ साथ बाकी अन्य दलों के लिए भी एक परेशानी का सबब जरूर बन सकता है। डिपेंड करता है कि वह किसे प्रत्याशी अपना बनाते हैं। आज भाजपा के अरुण गोविल अपना नॉमिनेशन दाखिल करने जा रहे हैं। एक बात और भी कि समाजवादी पार्टी के शहर विधायक रफीक अंसारी ने 2 दिन पहले ही नामांकन पत्र खरीदा है। अब जबकि उनको यहां से टिकट नहीं मिला है, तो देखने वाली बात यह होगी कि वह भी नॉमिनेशन करते हैं, यानी कि पार्टी से विद्रोह करते हैं, अथवा नहीं। 4 अप्रैल लास्ट नॉमिनेशन दाखिल करने की तिथि है। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।